भारत का मुस्लिम समाज मोनोलिथिक है या भारत भारतीय समुदायों की एक पूरी तरह से हायरार्की वहाँ भी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के बारे में सभी लोग इस तरह से सोचते हैं कि वो मोनोलिथिक एक समुदाय है, और इसलिए वो मुस्लिम समुदाय करके उसके लिए जो कुछ भी तय करना है तो वो सरकार के तौर पर भी इसी तरह से सोचा जाता है कि ये समाज एक मोनोलिथिक समाज है। लेकिन मैं आज जो आपसे बात कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि भारत के मुस्लिम समुदाय में भी जाति व्यवस्था है, और भारत के मुस्लिम समुदाय में भी NT-DNT मुसलमान है, और वो इनविजिबल इसलिए है कि ये माना ही नहीं जाता, उनके अस्तित्व को ही नहीं माना जाता कि इस तरह से मुसलमान समुदाय में कोई समूह भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने ये पाया कि ये सबसे नीचे अगर कोई समूह है मुस्लिम समाज में तो वह NT-DNT मुस्लिम्स है। तो मार्जिनलाइजेशन मुस्लिम समुदाय का जो है वो लगातार बहुत सालों से दिखाई दे रहा था, और सच्चर समिति जो है सच्चर समिति की जब रिपोर्ट आई तब मतलब ऑफिशियली सभी के सामने आया कि मार्जिनलाइजेशन कितना गहरा है मुस्लिम समुदाय में, और ये सवाल तो सामने आए कि उनमें तालीम नहीं है, रोज़गार नहीं है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, इस तरह के सवाल सामने आए। लेकिन मुझे एक सवाल बहुत महसूस होता रहा था पूरे आंदोलन में काम करते वक्त कि मुसलमान समुदाय के बारे में किस तरह की समझ है यहाँ के दूसरे समाजों में, आंदोलन के लोगों में, और ख़ासतौर से सरकार की समझ क्या है मुस्लिम समुदाय के बारे में। तो मुझे ये जब मैं देख रही थी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स, तब मुझे ये दिखाई दिया कि हर कोई मुसलमान समाज को एक मोनोलिथिक समाज मान रहा है कि मुसलमान तो माने पूरा मुसलमान समुदाय जो है भारत का वो एक सा है, इस तरह की एक मान्यता या जिसको मिथ कहिएगा वो मुझे दिखाई दी, और जबकि ये सच नहीं है। मुसलमान समुदाय में भी वही डाइवर्सिटी भी है और वही भारतीय समाज की कास्ट सिस्टम और हायरार्की वो भी है, तो वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता है पॉलिसीज़ में, और इसलिए ये होता है कि सारी माइनॉरिटीज़ के लिए एक तरह की स्कीम बना दी, सारी माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ प्रोग्राम्स बना दिए। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय के बारे में पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वो भी एक भारतीय समाज है, और वही सब अच्छाइयाँ या बुराइयाँ जो भारतीय समाज की हैं वो मुसलमान समाज में भी है, और इसलिए मुसलमान समाज में डाइवर्सिटी है, जैसे अलग अलग स्टेट अलग अलग स्टेट्स में रहने वाले मुसलमान जो है, केरल का मुसलमान महाराष्ट्र के मुसलमान जैसा नहीं हो सकता, कश्मीर का मुसलमान कन्याकुमारी के मुसलमान जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें वो रीजनल डाइवर्सिटी है। हिंदू समुदाय के पैरेलल जाति समूह जो है ये नोमैडिक और डीनोटिफाइड ट्राइब्स में मुस्लिम समुदाय आता है, और वो हमको जो मिले उसमें जातियाँ उसमें जो मिले समूह हमें उसमें थे कंकर, मूलानी, बहुरूपी, मेहतर, सपेरे, भील, बेलदार, शिकलगार, मुस्लिम गौली, टकारी, बंदर वाले, भालू वाले, सांप वाले, बाघ वाले, कलावंत, छप्परबंद, मेवाती, फकीर, शाह फकीर, सांप गारूड़ी, दगड़फोड़ू। अब इसमें जो है कि टकारी जो है वो भी पत्थर का काम करते हैं, जो दगड़फोड़ू है वो भी पत्थर का काम करते हैं, लेकिन उनमें फ़र्क ये है कि ये सिर्फ एक समुदाय सिर्फ पत्थर तोड़ने का काम करता है, दूसरा जो है वो कार्विंग और इस तरह से टांगता है पत्थर को। तो ये जो बहुत अलग अलग तरह के ये समुदाय, इनकी भाषाएं अलग अलग, इनकी जिसको हम कहेंगे सांस्कृतिक विरासत अलग अलग, ये हमें दिखाई दिया हुआ है, ये हमको दिखाई दिया इसमें। फिर दूसरा जो है हमने देखा कि इनके जो व्यवसाय है
पारंपरिक व्यवसाय जो ये करते आ रहे थे उसमें से तो आप देख रहे हैं कि इसमें भालू वाले, बंदर वाले, सांप वाले, ऊंट वाले, बाघ वाले, ये जो प्राणियों से संबंधित इनके जो पूरे पूरा रोजगार था इनका, तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनसे जानवर छीन लिए गए। तो अब दूसरा कोई इनके पास स्किल नहीं है, जानवर छीन लिए गए हैं, ऐसे हालात को किस तरह से देख रहे थे? तो हमें हमारे इस पूरे जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सरकार ने जानवरों को तो बचा लिया लेकिन इंसानों को तो मार दिया। इस्लाम में तो कास्ट सिस्टम नहीं है, तो ये बात तो सही है कि कास्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन अशरफ अजलफ इस तरह का जो है वो है कि ऊंचे घरानों के कौन होंगे, निचले घरानों के कौन होंगे, लेकिन कास्ट सिस्टम जिस तरह से मनुस्मृति कहती है उस तरह से इस्लाम में नहीं है। तो ये कि क्यों, अगर आप बोलेंगे कि हम फला कास्ट के हैं, फला जाति के हैं, तो फिर वो इस्लाम में तो वो नहीं है। तो प्योर इस्लाम जो है वो इस तरह का है, तो उसमें कास्ट सिस्टम नहीं। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि इन समुदायों से आप जब बात करेंगे तो इस तरह से उनको इस्लाम की इस रेडिकल फिलोसफी से इन्फ्लुएंस ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन मेरी समझ में आया कि जब उनके अस्तित्व के सवाल की बात आ रही है तो ये लोग किस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारे नाम वोटर्स लिस्ट पे है कि नहीं। अदर NT-DNT समुदायों के साथ हमें भी संविधान जो अधिकार देता है वो हमें मिल रहे हैं कि नहीं, तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो उसमें है। अब ये जो बच्चे कहते हैं कि वो आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं इस तरह की, तो वो इसलिए भी होता है उसमें कि आप निचले दर्जे की हो, आप खानदानी नहीं हो, तो आपकी जगह तो बहुत नीचे है, आप खानदानी लोग नहीं हो, तो फिर आपसे हमारा रिश्ता क्या होगा। देखिए कास्ट सिस्टम का एक बहुत बड़ा पहलू जो है, आप हमारे घर बेटी देते हो या नहीं देते हो, आप हमारे साथ खाना खाते हो या नहीं खाते हो, हमारी बेटी आपके घर में शादी बह कर जा सकती है कि नहीं, रोटी बेटी वाला जो रिश्ता है वो अगर देखें हम तो हमें दिखाई देता है इसमें कि वो कुछ जातियों को नीच जातियाँ अभी भी मानते हैं। और उसमें देख लीजिए ना कि ये कह रहे हैं कि हम तो नमाज के लिए एक साथ खड़े होते हैं, हमारे यहाँ तो ये सब कुछ नहीं। तो अनटचेबिलिटी इतनी खास तौर से नहीं है, ये तो है, लेकिन मेहतर समुदाय के साथ क्या बर्ताव होता है? मुस्लिम मेहतर जो है उनके यहाँ, उनके साथ खाना खाना, उनके यहाँ बेटी देना कोई करेगा? तो वो आइडेंटिटी छुपाने का वो एक ये भी है कि हमें डिग्निटी जो चाहिए तो हमारे कास्ट या समूह के नाम से नहीं मिलेगी, तो ये उसमें है। लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है तो उनसे बात करते वक्त उनकी डिमांड्स जब हमें, जैसे उन्होंने कहा कास्ट सेंसस कीजिए, इस सर्वे में जो है हमारे स्टडी में सबसे बड़ी बात उभर के आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की हमने इस रिपोर्ट पे, तो उनमें से भी कुछ हमने उनके नुमाइंदे बुलवाए थे ना अलग अलग कास्ट के, उन्होंने मांग की कि हम कास्ट सेंसस चाहते हैं। तो उनके लिए अस्तित्व और नागरिकत्व के अधिकार, ये बात ज़रूर है, लेकिन दोनों तरफ के, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ के फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो है वो इस तरह से उसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। इस कम्युनिटी में हायर एजुकेशन तक पहुंचने वाले सिर्फ 1%, और उसमें भी महिलाएं नहीं, तो वो चाहते हैं वही तो कि सरकारी रिकॉर्ड्स में उनके नहीं होने की वजह से जो उनको रिजर्वेशन चाहिए, ऊपर तक पहुंचने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हायर एजुकेशन तक तो 1% ही पहुंच पाना इनका जो है बहुत गंभीर चीज़ है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, इनकी जो ज़रूरतें हैं शैक्षिक ज़रूरतें, जैसे देखिए कि एक तरफ से इन लोगों का पैर रखने के लिए ज़मीन नहीं है, कोई गांव नहीं है, इनका कोई पता नहीं है, ये परमानेंट एड्रेस नहीं है, ये एक तरफ। एक दूसरी तरफ ये उनके बच्चों में जब उनका फ्यूचर देखते हैं तो बहुत बड़ा प्रभाव इस चीज़ का है कि हमारी उनकी थर्ड जनरेशन इंग्लिश मीडियम में हमें जाती दिखाई दे रही है, उससे पहले पहली जनरेशन मराठी स्कूलों में महाराष्ट्र में,
दूसरी जनरेशन भी ज़्यादातर मराठी स्कूलों में, फिर प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन अब हमें जो है थर्ड जनरेशन जो दिखाई दी उसमें 30% के करीब करीब वो अंग्रेज़ी, अपने बच्चों को अंग्रेज़ी तालीम देना चाहते हैं। देखिए वो जो है ना, वो घुमंतू समाज की महिलाएं हैं, तो हमें ये दिखाई देता है उसमें कि खुलापन बहुत, और जिसको हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि बहुत बार उनको डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं, क्योंकि घुमंतू जाती है, मर्द रहेंगे घर से दूर, तो उनको पूरे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वो एक इंडिपेंडेंट होना उनमें दिखाई देता है, उन महिलाओं में। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये दिखाई दे रहा है कि तो एजुकेशन, साक्षरता बिल्कुल नहीं है, इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुँच रही, क्योंकि मुस्लिम एन टी डी एन टी में काम करने वाले नहीं के बराबर है लोग, तो उन तक ये सब पहुँचे कैसे, उनको खड़ा करे कैसे, तो ये महिलाओं में भी हमें दिखाई देता है कि वो तो मार्जिनलाइज्ड विद इन मार्जिनलाइज्ड है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। तो जो एलिट क्लास की मुस्लिम महिलाएं हैं उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमें उनमें दिखाई देता है। दूसरा जो मुस्लिम आइडेंटिटी दिखाने के लिए बुर्के जैसी चीज़ का इस्तेमाल करने की उनको कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि उनके समूह जो है NT-DNT समूह, तो उनका एक अलग कल्चर भी है, उनकी अलग भाषाएं भी है, तो अभी तक तो महिलाओं तक हमें दिखाई देता है कि उनकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, लेकिन जो मदरसे इन एरियाज में शुरू हो रहे हैं तो वहाँ पूरी वो आइडेंटिटी, मुस्लिम होने की आइडेंटिटी, वो उस हिजाब और स्कार्फ के साथ वो मदरसों में वो आइडेंटिटी इनकी नेक्स्ट जनरेशन की दिखाई दे रही है, लेकिन जो जो पिछली जनरेशन की महिलाएं हैं उनमें वो नहीं है, उनमें वो बहुत खुलापन है उनके कल्चर के हिसाब से। वो जो उन्होंने कहा वही मैं कहूँगी, कास्ट सेंसस, और वो करके फिर उनकी जगह नागरिकत्व के उनके अधिकार जो है, और साथ में ही मानवीय अधिकार जो है, जैसे इस तरह के कानून आएंगे अगर कि आप जानवरों को तो बचा लोगे और इंसानों का क्या, ये नहीं सोचोगे, तो अस्तित्व का सवाल, उनके अस्तित्व का सवाल है, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी भाषा में हमें दिखाई देता है कि नॉलेज जो है, उनकी भाषा इस तरह से बनी है, तो वो भाषाएं भी मर रही हैं, तो भाषाओं का भी सवाल है। लेकिन जो दो महत्वपूर्ण उन लोगों से बात करते वक्त हमें समझ में आए वो ये थे कि वो एक कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, और दूसरा बात वो अस्तित्व की बात कर रहे हैं कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, जानवर तो बच गए, इस तरह से जो है पूरा अस्तित्व का सवाल जो है, और उनकी जो ऑक्यूपेशंस है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो अब हम करेंगे क्या, तो वो भी उनके आगे बहुत बड़ा सवाल है कि हमें पेट भरना है तो क्या सिर्फ भिखारी बनाओगे, बेगर्स बनाओगे, तो एम्प्लॉयमेंट विद डिग्निटी, रोजगार हमें सम्मान के साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब मजदूरी वो लोग करने लगे हैं लेकिन अधिकारों से वंचित है।